The old quantum theory was made up of various theories involving the assumption of quantization. एक ही इन्वॉल्व कर रही थी जो अज्यूम की कितना थी ना वेरियस थ्योरी थी ना क्वांटम थ्योरी ओल्ड क्वांटम थ्योरी थी जो अज्यूम की अज्यूम कितना थी कल्पना की कितनी थी उन्होंने क्वांटाइजेशन मतलब पार्टिकल नेचर क्वांटाइजेशन बेटे कहती मैटर की मैटर भी लाइक लाइट वेव नेचर भी है पार्टिकल नेचर भी है क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जी उन्हें सिंपल किया कि रेडिएशन से बेस्ड है मटीरियल पार्टिकल मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी रीजन तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अमिट भी रेडिएशन की करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड कंटिन्यूसली नॉट डिसकंटिन्यूस बट बहुत सारे फैक्टर्स जी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जिदा बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं एक्सप्लेन कर पाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए फिर असी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए फिर असी बहुत थ्योरी ऑफ एटॉमिक मैटर मॉडल एटम जो है मॉडल ऑफ एन एटम उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि बेस से मकैनिक बेस से क्लासिकल मकैनिक बेस से असी की नहीं एक्सप्लेन कर पाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन थर्ड बेटा बहुत एटॉमिक मॉडल ठीक है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए बट जी ओल्ड थ्योरी है क्वांटम थ्योरी उन्हें ट्राई किया टू एक्सप्लेन क्योंकि क्वांटम क्वांटाइजेशन की गल नहीं पार्टिकल नेचर की गल नहीं बट इज क्वांटाइजेशन बट इज क्वांटाइजेशन मैंने कि जी एनर्जी है एक कोई भी मैटर है अंडर कंसीडरेशन जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कर दी है फ्रॉम एनी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा तो रेडिएशन ऑब्जॉर्व कंटीन्यूअसली नहीं करता डिसकंटीन्यूअसली करता और अभी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज दी डेफिनेट अमाउंट ऑफ डी सीक्रेट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड क्वांटम इन एंड प्लूरल इज क्वांटम इन केस ऑफ लाइट इफ लाइट रेडिएशन इज ऑब्जॉर्ब बाय द मटीरियल पार्टिकल देन विल मैटर और द सब्सटेंस बाय अंडर कंसीडरेशन तो वो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब जी है जो लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डी सीक्रेट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटोन ठीक है जी सो वो बेस से असी अज्यूम की किया कंसीडर की किया क्वांटाइजेशन ऑफ द मैटर कि रेडिएशन तो अलावा जो सब्सटेंस अंडर कंसीडरेशन है ओल्ड क्वांटम थ्योरी ने कि पार्टिकल नेचर भी होंदा एनर्जी जी है अमिट और अब्जॉर्ब जी है बाय द सब्सटेंस अंडर कंसीडरेशन नॉट अब्जॉर्ब कंटीन्यूअसली बट डिसकंटीन्यूअसली इन द स्मॉल पैकेट ऑफ डी सीक्रेट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड क्वांटा इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन सो वो बेस आप ओल्ड क्वांटम थ्योरी के बेस एक्सप्लेन कर सकते हैं तीन फैक्टर कि हम तुम सारे इकट्ठे बोल लोगे पहला फैक्टर जोड़ा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिन्हें कि पार्टिकल नेचर कंसीडर किया दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस वन बाय वन है ना कि जी प्लैंक क्वांटम थ्योरी से अप्लाई करेंगे सो एज टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और द लॉज विच गवर्निंग फंडामेंटल लॉज विच गवर्निंग द रेडिएशन एमिशन और अब्जॉर्प्शन बाय अ ब्लैक बॉडी अपॉन हीटिंग वो जड़ा है कि लॉ से
स्टीफन बोल्ट्ज़मैन ला एंड वी जस्ट लिसन ला उन्होंने एक्सप्लेन करेंगे तो प्लान क्वांटम थ्योरी के बेस से मतलब कि ओल्ड क्वांटम थ्योरी अप्लाई करके लैंस रेडिएशन ला दी भी गल करेंगे अल्टीमेटली वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के दोनों लॉज में एक्सप्लेन करेगा। तो पहला राइट डाउन बेटे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। लास्ट लैक्चर च स्पैक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन भी की एनर्जी की जिसे आप कर्व्स ऑब्टेन कीतियां सी उन्हां टेंपरेचर ते किदां डिपेंडेंट ने उन्हां दी गल कीती सी। सो स्पैक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासीकल मकैनिक्स। क्लासीकल मकैनिक्स के बेस से असी की नहीं एक्सप्लेन कर सकते बेटे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर्व्स ड्रा कितने से याद हो गए था ऑसीलेटर्स की करोगे एनर्जी अब्जॉर्ब या मिट
लूज और गेन करोगे डिसकंटीन्यूसली इन द डिसक्रेट पैकेट ऑफ एनर्जी कार क्वालिटा इन फ्लोरल टर्म। दूसरा एरर है कि जी अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटल जी जनरली अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब और एमिटेड ओके से डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द ब्लैक बॉडी, कितनी अमाउंट एनर्जी भी अब्जॉर्ब करेगा ऑसिलेटर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस ब्लैक बॉडी का या वो ओमिट करेगा अपॉन हीटिंग, वो कहते डिपेंड करेगा बेटा दैट रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन फॉलन अपॉन इट। ठीक है दैन बेटे और वैल्यू की होगी ई इज इक्वल टू एच टू वेर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू पता कितनी होती है 6.6 into 10 to the power minus 34 joules second। ठीक है जी, new is the frequency। ठीक है जी, total energy जड़ी है उस black body के constituent particle oscillator जड़ी absorb emit करेंगे, that can be in whole number, that means E is equal to m h nu, n may be 0, बिल्कुल भी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कीती, क्यों नहीं अब्जॉर्ब कीती जा नहीं कीती क्योंकि मैच नहीं करती और ऑसिलेशन नहीं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑसिलेटर जिन्होंने ऑसिलेट एक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स ने ऑसिलेट एक्ट करना ऑसिलेटर एक्ट करना, वो उन्होंने एनर्जी जी फॉलन एनर्जी है या मिट करनी है उन्होंने मैच नहीं करती, एन जीरो भी हो सकता, सो एन जीरो 1 2 3 सो होल नंबर वैल्यू होगी। दैन इंपॉर्टेंट है जिहड़ा कि मैं हमें बोलिया हैडिंग दिता प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ठीक है बेटे, प्लैंक जो आप थरैटिकल यही जी अजम्पशन प्लैंक कॉन्टैक्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन यू ब्लैक बॉडी से अपलाई किया। ठीक है जी, प्लैंक ने ब्लैक बॉडी से तो एक्सपैरिमेंटली उन्हें की इफेक्ट देखा और उन्होंने थरैटिकल टच दिता मैथमेटिकल फॉर्म च वो लॉ आप कहते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। सो प्लैंक ड्राइव an experimentally valid expression, Planck derived an experimentally valid expression मैथमेटिकल रिलेशन की है बेटा राइटर ई लैम्डा मतलब एनर्जी रेडियो कितने डिपेंड करेगी बेटा रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब बाय अ ब्लैक बॉडी अपॉन द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन अब्जॉर्ब और एमिटेड ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 pi x c over lambda raised to 5। ई इज इक्वल टू 8 pi x c over lambda raised to 5 इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म मैंने ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 pi x c over lambda raised to 5 इंटू 1 over e raised to 5 x c over kt lambda minus 1। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। हूँ बेटे मैं कह रही हूँ हूँ आप लेना केस 1 की एट नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू अगर स्मॉल है तो इस रिलेशन को अगर देखिए तो ये तुम देखोगे कि जेड़ा है फैक्टर ई रेस पर एक्स सी ओवर के टी लैम्डा डिनोमिनेटर से लैम्डा। ठीक है जी, ए बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर से लैम्डा वैल्यू स्मॉल है तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल टर्म ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू यूनिटी। ठीक है जी,
तो लिखो फिर इन केस व्हेन वैल्यू ऑफ वेव लेंथ लैम्डा इज स्मॉल देन इन प्लैंक्स रिलेशन प्लैंक्स रेडिएशन रिलेशन द लॉ तो ज्यादा होएगा दस भी मेरे मे राइट मतलब कोई कहने लैक के बाद इन बहुत ज्यादा है काम तो आहार तहार है ई एच सी के टी ओवर लैंडा ये कंपैरेटिवली वन आप की कर सकते हैं तो ई रेस पार जो हो ई रेस पार एच सी ओवर के टी लैंडा माइनस वन इज इक्वल टू ई रेस पार एच सी ओवर के टी लैंडा तो दिस इज द से दिस इज इक्वेशन नंबर वन वन डी एवर टू इज वन क्या वन तो हम मेरे को रिलेशन की आ जाना बेटे दिस इक्वेशन में रिलेशन टू फर्स्ट इक्वेशन दैट इज ई रेस पार लैंडा इज इक्वल टू ई रेस पार एच सी ओवर रेस ओवर लैंडा रेस पार फाइव आ टर्म मैं बेटे ऊपर ले जाऊंगी एक्सप्लेनेशन टर्म तो माइनस हो जाती है ई रेस पर माइनस एच सी ओवर के टी लैम्डा दैट इज आइडेंटिकल टू द बीन्स डिस्प्लेसमेंट का नाउ बेटे अगला केस टू लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा केस टू क्या है बेटे देन वो कुछ नहीं रुकता हाँ वी नो दैट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ करती मैं देख रही इन इक्वेशन वन विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वन लिख लो विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वन बेटे एक और चीज देख लेंगे हाँ मेरी टर्म है मैं सिर्फ आगे मतलब फिर मेरे को टर्म जी ए बनी है इन्हें मैं ई एक्स लिखना होगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म होगी इन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं सो राइट डाउन क्योंकि बेटे मैं फिर इन्हें अपर कि टर्म को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल थ्योरम यूजिंग एक्सपेंड करेंगे एक्सपोनेंशियल थ्योरम में तो ई रेस
पर x इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x क्यूब ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 सो ऑन। ठीक है जी, ऐसा करा जी बेटे आप इतने सरल है ना, पहले लेट लिखा है कि लेट x जो है वो की है इतने बेटे c रेस पर x की है x c ओवर ये की लन है, तो ये x की हो जाएगा फिर c रेस पर x होने के लिए कोटिंग दस e रेस पर फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री कि तो दो एनु हम x की वैल्यू को कितना करना बेटे x c ओवर k t लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस x c ओवर k t लैम्डा प्लस ऑन, क्योंकि हर टर्म देनी है क्योंकि लैम्डा बहुत ज्यादा लार्ज थी पर एक पूरी टर्म की सी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो इस करके हायर पावर्स और भी स्मॉल हो गया, सो वी कैन नेगलेक्ट दोस हायर टर्म्स, सो साडे कोल की आया 1 प्लस x c ओवर k t लैम्डा। लिख लो इन्हों नंबर कितना था बेटा, 3 से 4 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ e रेस पर एच सी ओवर के टी इन इक्वेशन 1। ठीक है बोलो, तो फिर उन्होंने आप पुट किया बेटे एसोसिएशन च 1 च पुट किया 3 च 1 च, तो मेरे को की आ गया 1 का 1 कैंसिल हो गया, हुन मेरे को की आया e लैम्डा ओवर 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा रेस पर 5 इनटू 1 ओवर एस सी ओवर के टी लैम्डा, ये टर्म ऊपर चले जाएगी बेटे है ना, और टी लैम्डा इज इक्वल टू टी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा रेस पर 5 इनटू के टी लैम्डा ओवर एच सी, एच सी है एच सी कैंसिल हो गया बेटे, लैम्डा बेटा ऊपरों नीचे आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 5 जो माइनस 1 कीता लैम्डा रेस पर 4 हो जाएगा, मेरे को आ जाएगी वैल्यू 8 पाई के टी ओवर लैम्डा रेस पर 4 जाए नो ऊपर लव करना होगे दैट इज और टी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई ओवर लैम्डा रेस पर 4 इंटू के टी जी, लैम्डा फिक्स है बेटे कहाँ लिखे तो क्वेश्चन होगा टेम्परेचर, के भी कॉन्सटेंट है 8 पाई भी कॉन्सटेंट है, लैम्डा भी अगर कॉन्सटेंट है तो दैट रिलेशन कितना होगा। ठीक है जी, टेम्परेचर ना, सो दैट इज दैट दिस एक्सप्रेशन इज आइडेंटिकल टू द रेलेस जीन्स लॉ।